हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया ये न्यूज आपने लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी? सुनो पहले, उसके बाद रिएक्शन देना। और क्योंकि हम देख नहीं सकते रिएक्शन, तो लिख के रिएक्शन देना, ठीक है? खबर है कि पाकिस्तान ने बोला है कि भारत दखल मत दे, वरना शाहीन मिसाइल जो है वो दिल्ली में उड़ा देंगे। समझ में आ रही है आपको कि क्या कहने की कोशिश करें? इतनी इनकी हिम्मत है। उछलती नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ, अगर उड़ भी गई तो उड़ गया उल्टी इन्हीं के ऊपर गिरी। नहीं, फर्क देखो, आटा खाने की है नहीं। लोग जो है दर दर बोल रहे हैं कि भैया हम भूख से मर रहे हैं, महंगाई हो गई है, रो रहे हैं, पिट रहे हैं। पाकिस्तानी चैनल्स इंडिया की जय जयकार करके कमा रहे हैं पैसा, मोदी जी कर रहे हैं इंडिया इंडिया, दिन रात उसके करके जय जयकार करके पाकिस्तानी कमा रहे हैं पैसा, ताकि उनका घर चल सके, उनके पेट में खाना घुस सके। तो ये चले हैं हमको बताने कि भैया तुम हमें दखल मत दो। पहले तो हमें तुम्हारे को दखल, हमें हम तुम तुमसे हम तो दखल देते नहीं, दखल तो तुम्हारे पाकिस्तानी देते हैं। अभी उनके इलेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए वो एंटी इंडिया कार्यक्रम एग्जैक्टली उन्होंने इंडिया इंडिया करना शुरू कर दिया। कि वो ये दिखा रहे कि इंडिया अटैक करने वाला है, सबके माइंड में एक ही फोकस रखना है, सबके माइंड में एक ही फोकस करना है। जैसे घोड़ा घोड़े के आगे वो लगाते हैं, गाजर लगाते हैं, तो सब अपने जनता को एक ही दिखाना है, एंटी इंडिया, वोट करो हमें और उसके बाद बाय बाय। वही तो, यही तो काम है इनका। तो वो सब चाले चल रहे हैं बस कि इंडिया दखल ना दे। हम कौन सा दखल दे रहे हैं यार? तुम अपने रिएक्शन चैनलों वालों को, यूट्यूबरों को, उनको बोलो हमारे देश में दखल देना बंद करें। इंडिया के पास टाइम नहीं है। हमारी पार्लियामेंट स्पीच हो रही है, वो उसमें दखल देंगे। हमारे यहाँ पे मोदी जी ने कोई रोड शो कर दिया तो उसमें दखल देंगे। हमारा कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें दखल देंगे। हर कोई एक छोटी से लेके बड़ी चीज में, उनके पास और कोई काम नहीं है, बस दखल देने का काम है। तुमको हिम्मत है तो उनके ऊपर करो ना, उनके ऊपर ये शाहीन क्या है मिसाइल जो है, ये शाहीन उनके ऊपर जाके फोड़ो। चलो आप भी अब कमेंट सेक्शन में बड़े बड़े कमेंट्स लिखना, ताकि मेरे को भी पढ़ के मजा आए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। कहते दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वही हालत आज पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकड़ की हो चुकी है। और वो अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत को धमकी देकर लोगों पे इम्प्रेशन झाड़ने की कोशिश कर रहे। दरअसल आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को यानी कल को चुनाव होने हैं, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमाते इस्लामी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, क्योंकि सबको पाकिस्तान का नवाब जो बनना है। हालांकि एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स तो नवाब शरीफ की ओर ही दिख रहे हैं। जो भी है, काकड़ ने जो धमकी भारत के लिए जारी कर दी उस पर गुस्सा आने के बजाय हंसी ज्यादा आ रही है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक काकड़ ने अपने बयान में ये कहा है कि भारत कई सालों से फर्जी बयान देता रहा है कि कश्मीर उसका हिस्सा है और कश्मीर में पाकिस्तान आतंकी हमले करवाता है, जबकि ये सरासर झूठ है। सच्चाई तो ये है कि बंटवारे के वक्त ही कश्मीर हमें दान में मिल चुका था, लेकिन भारत ने जबरनों से हमसे छीन लिया और वो अब वहाँ के लोगों पे अत्याचार कर रहा है, क्योंकि उनके दिलों में आज भी पाकिस्तान जिंदा है। अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर काकड़ ने ये कहा कि भारत कश्मीर के साथ साथ अब गिलगित और बलूच में भी अपना दावा करने लगा है, वहाँ के लोगों को पाक सरकार के खिलाफ भड़का रहा है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। काकड़ ने ये धमकी दी कि सुन ले भारत, हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर आपने पीओके में हमले की कोशिश की तो अल्लाह कसम हम दिल्ली को शाहीन मिसाइल से उड़ा देंगे, फिर चाहे हमें युद्ध का शंख ही क्यों ना बजाना पड़े, पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है, और भारत हमारी धमकी को हल्के में ना ले। अब देखिए दोस्तों, इसे ही कहते हैं गधों के प्रधानमंत्री। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब भी कोई चुनाव आता है तो उसमें खड़ा उम्मीदवार अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़क, घर घर में बिजली और सरकार के फ्री परियोजनाओं को लेकर बातें करता है, लोक कल्याण के वादे देता है, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस अपने मुल्क को ही बर्बाद करने की बातें करते हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान को कम अकल मुल्क भी कहा जाता है।
शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन पाकिस्तान के पास चुनाव लड़ाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये तो सऊदी और यूएई की देन है जो उन्होंने एन वक्त पर पाकिस्तान को पैसे दिए, वरना ये चुनाव भी नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, जिस शाहीन मिसाइल से दिल्ली को उड़ाने की बातें की जा रही है, इसी शाहीन मिसाइल के यूजर ट्रायल टेस्ट पैसे न होने की वजह से पाक सेना ने रद्द कर दिए थे और काकड़ चले दिल्ली उड़ाने। वैसे काकड़ को पूरे पाकिस्तान में आईएसआईएस की कठपुतली कहा जाता है और उनके बयानों से वो प्रतीत भी होता है। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आता कि अगर वो एक मिसाइल भारत पे चला देंगे तो उसके बाद भारत की 10 मिसाइल का जवाब पाकिस्तान कैसे देगा। अब इस पर आप ही पाकिस्तान को कुछ समझाए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद। टाइप के इनके मिनिस्टर्स हैं, कहां बोला था ये भी देखना है नहीं, पर ये किस टाइप के हैं? अनपढ़ गवार जो वॉर को, लड़ाई को ऐसे सोचते हैं जैसे कोई गेम होगी, कोई खेल है। इनको ये नहीं पता पहले तुम अपनी ताकत, अपनी गरेबान में तो झांके देखो तुम में दम कितना है, फुस्सड़ तुम हो और चले हो इंडिया भारत जैसे देश के साथ लड़ने के लिए। आ जाओ, मैं तो ये कहूंगी दम है तो आओ ना, ऐसे खाली फोकी वो क्या बोलते हैं देने की जगह, वर्ड बताना वो क्या होता है, फोका वो कुछ करते हैं, नहीं फोकी कुछ फूफू कर रहे हैं, फोकी फूफू करने की जगह कुछ दम है तो करके दिखाओ ना, हम तो रेडी है, हम तो कह रहे हैं जल्दी करो ताकि पीओ के हमें बहाना मिले, हम पीओ के ले है दम तो करो, मैं तो चैलेंज कर रही हूँ। देखिए अभी एग्जैक्टली पता नहीं है उन्होंने किस फोरम में बोला है, कहीं भी केयर टेकर पीएम, उनको पहले ये समझना चाहिए कि वो केयर टेकर है पीएम, नॉट द रियल पीएम। इलेक्शन हो रहे हैं तब तक केयर टेकर जो है पीछे हो जाएगा, इलेक्शन में जो जीतेगा ऑफकोर्स उसको गद्दी मिलेगी। कौन कौन लड़ रहा है मेरे को तो नवाज शरीफ ही पता चला है, और कौन है? शरीफ और दूसरा जो भुट्टो वाली पार्टी होगी, भुट्टो अच्छा वो बिल्लो रानी उसकी पार्टी लड़ रही होगी, और ये लड़ दो दोनों खानदान वाले हैं, केयर टेकर नहीं लड़ रहा, केयर टेकर नहीं लड़ रहा, तो केयर टेकर क्यों भैया, फिर क्यों बीच में बोली जा रहा है? वही तो बोल रहा हूँ, वो क्यों बीच में बोली जा रहा है? इलेक्शन है भाई, जो जीतेगा वो देख लेगा। अभी वो हो सकता है माहौल बना रहा हो एंटी इंडिया, जिससे फोकस करा जाए उनकी वोटिंग पे। वोटिंग में क्या होता है वी डोंट नो। इमरान खान तो अभी भी जेल में, वो बाहर नहीं आने वाला, मतलब उसकी पार्टी कहीं उसकी पार्टी गई, उसका खत्म हो गया करियर। अब यहाँ पे ये दो में से, ये जो खानदानी लोग हैं उनमें से एक देखें कौन जीतता है, दोनों ही एक से बढ़कर एक है। और इनका फोकस जो है देखिए, ये अपने आवाम को कैसे इसीलिए डराते रहते हैं 24 घंटे, जबकि इंडिया वाले कहेंगे हमें तुमसे को लेना देना नहीं है, हम चाइना को कम्पीट कर रहे हैं, चाइना को हमें बीट करना है, हम प्रोग्रेस की तरफ देख रहे हैं, हमें तुमसे कोई लेना देना है, क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हो, अपनी न्यूज़ पेपर क्यों बोलते हो इंडिया कर रहा है, अबे हमें तुम्हें नहीं देखना है, नहीं लेना देना तुम्हें। जबरदस्ती के कहते हैं ना चेप होना, ये वो एग्जाम्पल exactly वही लग रहा है। सारे पाकिस्तान और पाकिस्तानी जबरदस्ती इंडिया से चेप हुए हैं, वो पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स, पाकिस्तानी इंटरव्यू वाले, न्यूज वाले, उनको और कुछ नहीं मिलता, कुछ सिर्फ नहीं। इंडिया इंडिया Correct. इंडिया वो एक बहुत बड़ा जरिया उनके पास पैसा कमाने का, बस इनको बोलो इंडिया अगर इतना पॉलिटिक्स में यूज करते हैं और पैसा कमाते हैं इंडिया से। नहीं, इंडिया इतना ही तुम्हारे उसमें दखल दे रहा है तो अपने पाकिस्तानी चैनलों के ऊपर तो कुछ एक्शन करो भैया, जो तुम्हारी थुतु करते हैं और इंडिया की जय जयकार करते हैं, दम है तो वो करके दिखाओ। तो चलो आप विषय करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।